अमिताभ बच्चन की जुम्मा चुम्मा गर्ल को कौन भूल सकता है। ये गाना उस वक्त तो सुपरहिट हुआ ही था, लेकिन आज भी जब डीजे पर ये गाना बजता है तो लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने 1985 में फिल्म पत्थर दिल से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में किमी काटकर ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। इसके बाद किमी को फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन में लीड रोल मिला। फिल्म में किमी ने इतने सीन्स दिए थे कि उनकी इमेज एक बिंदास हीरोइन की बन गई थी। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, लेकिन किमी को इससे पहचान मिली थी। इस फिल्म के बाद किमी की झोली में कई सारी हिट फिल्में गिरी। इनमें खून का कर्ज, जैसी करनी वैसी भरनी, गैर कानूनी और मेरा लहू जैसी फिल्में शामिल हैं। 1991 में फिल्म हम किमी की सबसे बड़ी हिट थी। इस फिल्म के बाद किमी ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया था। किमी की आखिरी फिल्म हमला थी, जो 1992 में रिलीज हुई थी। फिल्मों से दूर जाने की वजह किमी की शादी थी। किमी ने 1992 में फोटोग्राफर और एड फिल्म मेकर शांतनु शौरी से शादी कर ली थी। शादी के बाद किमी मेलबर्न में सेटल हो गईं। किमी टार्जन गर्ल के नाम से भी फेमस हैं। बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने न सिर्फ एक्टर बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज भी जितनी भी बार राज कपूर की फिल्में देखी जाती हैं, दर्शकों को वही क्रेज रहता है। राज कपूर ने बॉलीवुड को न सिर्फ एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी, बल्कि एक्ट्रेसेस को बिंदास अवतार में भी पहली बार पर्दे पर उतारने वाले वही थे। तो चलिए आपको ऐसी फिल्मों के बारे में बताते हैं जिसमें एक्ट्रेसेस ने बिंदास सीन दिए थे। मंदाकिनी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म से बतौर लीड एक्ट्रेस मंदाकिनी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में मंदाकिनी ने जबरदस्त सीन दिए थे, खास तौर पर झरने के नीचे वाला सीन। इस सीन के लिए मंदाकिनी को आज भी याद किया जाता है। जीना तमान, सत्यम शिवम सुंदरम। जीना तमान का शशि कपूर के साथ फिल्माया गया टाइटल ट्रैक काफी सुर्खियों में रहा था। सिमी ग्रेवाल, मेरा नाम जोकर। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर ने राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था। इस फिल्म में टीचर का किरदार सिमी ग्रेवाल ने निभाया था। वैजंती माला, संगम। वैजंती माला का पानी के अंदर का ये सीन काफी फेमस हुआ था। नरगिस, आवारा। नरगिस ने राज कपूर की फिल्म आवारा में कई सीन्स दिए थे। ये सीन आज भी दर्शकों के बीच चर्चाओं में रहते हैं। हाल ही में रणबीर कपूर ने फिल्म संजू के जरिए लगभग 2 साल बाद फिल्मी दुनिया में कमबैक किया था। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की, बल्कि रणबीर ने ये बात साबित कर दी है कि अभी भी उनका चार्म खत्म नहीं हुआ है। आने वाले 2 सालों में रणबीर एक से बढ़कर एक फिल्में लेकर आने वाले हैं। अगर कहा जाए कि इन फिल्मों के दम पर रणबीर कपूर बॉलीवुड के नंबर 1 हीरो बन जाएंगे तो शायद हम गलत नहीं होंगे। तो चलिए नजर डालते हैं रणबीर की 6 अपकमिंग फिल्मों पर। ब्रह्मास्त्र। आयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणबीर अपनी लेडी लव आलिया भट्ट के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है। ब्रह्मास्त्र 2। आयान ने ब्रह्मास्त्र की घोषणा के साथ ही ये भी ऐलान कर दिया था कि वो इस फिल्म को 3 हिस्सों में बनाएंगे। ब्रह्मास्त्र 3। ब्रह्मास्त्र 3 में फिल्म की कहानी आगे बढ़ेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि इस पार्ट में जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिल सकते हैं। लव रंजन की फिल्म। सोनू के टीटू की स्वीटी फेम लव रंजन अपनी नई फिल्म में अजय देवगन और रणबीर कपूर को लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म साल 2020 में रिलीज होगी। शमशेरा।
इस फिल्म को यशराज बैनर तले बनाया जाएगा। फिल्म में रणबीर कपूर के साथ वाणी कपूर नजर आने वाली है। निर्देशक करण मल्होत्रा की इस फिल्म में संजय दत्त भी दिखने वाले हैं। किशोर कुमार बायोपिक। बीते दिनों खबर आई थी कि बर्फी जैसी फिल्में बनाने वाले निर्देशक अनुराग बासु फिल्म बनाने वाले हैं। इस फिल्म के लिए उनके जहन में रणबीर कपूर का ही नाम है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।